हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आलू के पराठे की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने आटा गूंद लिया है। तो हमने आलू का मसाला तैयार कर लिया है। इसके अंदर हमने डाला है आलू, हरी मिर्चें, लहसुन, प्याज, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हरा धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला। तो हमने पराठों को सेकने के लिए ऑयल ले लिया है। तो हमने एक फ्राई पैन ले लिया है। तो हमने गैस ऑन कर दिया है। तो अब हम अपने पराठों को बेलेंगे। सबसे पहले हम आटा लेंगे, उसको ऐसे सर्कल कर लेंगे। तो अब हम इसको ऐसे बेल लेंगे सर्कल शेप में। उसके बाद हम लेंगे थोड़ा सा मसाला आलू का और हम ऐसे लगा देंगे, इसको ऐसे बंद कर देंगे और ऐसे करके हम इसको ऐसे सर्कल शेप में कर लेंगे। अब हम इसमें सूखा आटा लगा लेंगे और इसको ऐसे बेल लेंगे। तो हमने इसको बेल के रेडी कर लिया है। अब हम इसको फ्राई पैन में डालेंगे। तो हमने इसको फ्राई पैन में डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। अब हम इसको पलट देंगे और ऊपर से भी ऑयल डाल देंगे। ऑयल आप कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन हमने यहाँ पे देसी घी लिया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये फूल गया। तो यहाँ पे हमने लिया है डिलीशियस बटर। आप कोई सा भी बटर यूज कर सकते हैं। तो अब हम इसको अपने पराठे पे लगाएंगे और ये देखिए हमारा पराठा कितना अच्छा हो गया है और ये बनने ही वाला है। अब हम इसको प्लेट में ले लेंगे। हमने इसको प्लेट में सर्व कर दिया और उसके ऊपर हमने बटर भी डाल दिया है। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है ये। तो इसको हम टमाटर की चटनी के साथ खाने वाले हैं। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, लाइक इट, शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय। तो अब मैं इसको एंजॉय करूँगी और आप इसको किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ भी और टमाटर की चटनी के साथ भी। तो आप भी अपने घर में बनाइए, खाइए और इंजॉय कीजिए। बाय।